साले तू हर बार यह कॉल क्यों करता है? जी सर, वो हमारे एक नए भंदे भंडी आए हैं, उन्हें रील्स बनाना है, तो आपकी मदद चाहिए प्लीज। मुझे फिल्मों में काम नहीं मिल रहा और तुझे रील्स बनाना है, बोसरी के निकाल। अरे अरे सर, बोला ना, मुझे रील्स नहीं बनाना तो नहीं बनाना, वरना ये 2.5 किलो का हाथ तेरे गांड में दे दूंगा। यही पटक के चोट देंगे, चल निकल मादर चोट। तो यार, इस वीडियो में होने वाली तोरी खाली है, अगर आपको बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं करने वाला, अगर आपको बुरा लग रहा है ना तो लौड़ा बच्चा। तो आज हम देखने वाले इंस्टाग्राम रील्स। देखो, इंस्टाग्राम रील्स पे तो पहले ही इतने सारे वीडियोस बना चुका हूँ कि नहीं गिन ही नहीं सकता। तो देखते हैं यार, फिर से इंस्टाग्राम रील्स पे आ गए भोसड़ी वाले। उसे क्या पता? उसे कैसे पता होगा, कैसे पता होगा, जब तुम लड़कों के आवाज में बात करोगे। नहीं, क्या मतलब मजे आते हैं तुझे लड़की की लड़का के आवाज में बात करने में? ऐसा काम कर, एक कर, वॉइस चेंजर ले ले भोसड़ी वालों। यादों का बोझ कितना भारी। शाबाश, मैं एक साधारण चूतिया होता तो पूछता ही वीडियो क्यों है। कोई इसे ऑस्कर दे दो। नहीं, इतना सेट स्टोरी भोसड़ी वाली, यादों का बोझ, वाह वाह वाह। इससे सलाह लगता है ना कि तीनों सही था, आधे लोगों को मिटाई देना चाहिए था भोसड़ी वाले, नहीं तो ऐसे लोग पैदा होते जो इससे प्यार कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन चॉइस बहुत ही गलत है। नहीं मतलब आके तो देखो, आके ऐसे लग रहा है साले चमगादड़ के ऊपर किसी ने बेबी पाउडर फेंक दिया। भोसड़ी वाले ऐसे बोल रहे हैं जैसे साले बचपन से इसकी आवाज बदली नहीं है, ऐसे बोल रहे। शक्ल देख के पता चल रहा है कि इसे चुड़ैल बनने का शौक है। क्यों है क्या? चुप हो जा सातवीं फेल। सिर्फ वही लोग इस वीडियो को लाइक करना जो अपनी माँ से बहुत प्यार करते। चल नहीं करता लाइक, क्या कर लेगा? नहीं बोल के दिखा, क्या कर लेगा? ये वही भोसड़ी वाले हैं जिन्हें लाइक करने का बहुत शौक होता है। ये लोग ना बड़े बड़े यूट्यूबर के चैनल में घुस के उसमें दूसरा का नाम तो के लाइक काटे हैं। इसकी जिंदगी अभी तक विनोद में ही अटकी हुई है, और ये भोसड़ी वाले के लिए विनोद एक सुपरस्टार है। ये अपना नाम कमेंट में दे देता है और फिर ये लाइक मांगता है उस यूट्यूबर के नाम पे जिसका चैनल है। ये कह देता है, सोचो कि ये केरी मिनाटी के वीडियो में कमेंट कर रहा है तो ये क्या कमेंट करेगा? इफ यू लव केरी मिनाटी लाइक, इफ यू लाइक नया कक्कर लाइक भोसड़ी वाले। लेकिन नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता इन लोग को कौन सी खुजली मसी है लाइक करने के लिए। देखो मुझे भी चाहिए होता है लाइक, लेकिन मैं रील्स नहीं बनाता। समझ रहे हो आप? अब मैं इस रील के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि ये रील हर जगह पेला हुआ है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह ये साला चूतिया पर बना रहा है। नहीं मतलब कोई भी इसमें कुछ भी कर देता है, अगर कोई फोटो खींच लेता है तो उसमें तुत्तू लगा देता है, अगर कोई लड़की देख रहा है उसमें तुत्तू लगा देता है, अगर कोई रील बना रहा है उसमें तुत्तू लगा देता है। तुत्तू की जगह तत्ती होना चाहिए था। इन तीन इंस्टाग्राम एंजल्स से मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जो तुम ये कर रहे हो सही है, करो रील्स बनाओ, वेरी गुड, लेकिन मास्क पहनो, सिक्योरिटी सबसे पहली आती है। तुम रस्ते पे करो, पीछे में बैकग्राउंड वाली आंटी भी मास्क पहन रही, लेकिन तुम तीनों ने पहन रहे हो, और कल को कुछ हो जाएगा और ये लोग हमारे देश पे कमियां निकालेंगे, तालियां हो जाए, शाबाश चूतियो। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इसे कहते हैं ओरिजिन वे। नहीं मतलब सब डांस कर रहे हैं, ये अकेली है जो पोज कर रही है। बहुत तालियां हो जाए, इसमें इतनी मेहनत लगती है ना कि 3-4 लीटर पसीना बह जाता है। रील्स बनाने में इतनी मेहनत लगती है कि एक बंदी एक दिन में 10 बना लेती है। वाह वाह वाह, और भैंसचोद मुझे 3 दिन लग जाते हैं एक वीडियो बनाने के लिए। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे है क्या? आपने कभी इससे बड़ा चूतियापा देखा है? नहीं, यही तो है चूतियापा। पीछे में बास्केटबॉल कोर्ट करा है और भोसड़ी वाला वहाँ पे रील बना रहा है, फिर इसके ही माँ बाप कल आके हमारे घर में बोलते हैं कि तेरा बेटा स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं देता बेटे। नहीं मतलब क्या चल रहा है, इंसान को खेलने की जगह पे ये लोग चूतियापा मचा रहे हैं, वेरी गुड। फिर माँ बाप हमें कहते हैं कि हम स्पोर्ट्स नहीं खेलते, हमें कहते हैं कि तू बहुत बड़ा चूतिया बन चुका है, फोन के सामने शक्ल घुसा के रखता है। इन लोग को इतना प्यार है ना अपने रील्स वाले से कि ये लोग अपने ताली, अगर प्लेट के रिफ्लेक्शन से भी रील्स बना लेते हैं। ये अगर बाल्टी में पानी होना तो उसमें अपने शक्ल को देख के भी बना लेते हैं। ये इतने खतरनाक है कि क्रिएटिव, ये हर जगह जहाँ पे भी शक्ल देख के रील्स बना देते हैं।
I was skipping school to get my sack right. My bitch text me and ask why I don't text back. My dog got out of prison and went right back. लोरे लग गई ना? नहीं नहीं मतलब हमने 10 सेकंड नहीं 10-8 सेकंड रुका और सोचा कि कुछ नया आएगा, लेकिन मिडिल फिंगर दिखाया बहुत जरूरी हुआ। लेख साला मेरा मन करता है कि मैं भी बना लूं, नहीं करता यार मन। लाइक्स नहीं मिलते, व्यूज नहीं मिलते, लेकिन रील्स रील्स में मिल जाते। जी हाँ, तुम भी सब बन सकते हैं भोसड़ी वाले। यही तो है नेचर को यूज करना। नहीं मतलब ये लोग नेचर का बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं। सोचो तुम एक शहर में रहते हो, तुम्हें शांति चाहिए, तुम बहुत आरामदायक जिंदगी बिताने के लिए जंगल में आते हो, और जंगल में ऐसे बेहतर अचानक से ऐसे दो बंडी साइड में टुटु टुटु टट्टी गाने पे डांस कर रहा है, मूड खराब हो जाएगा तो समझो क्या बोलेंगे। हम तो रील्स बनाते नहीं, और रील्स बना रहे को मजे आते, उन्हें व्यूज भी मिलते हैं, लाइक्स भी मिलते हैं, और हम चूते को नहीं मिलते। तो यार प्लीज लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर कर ही दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार का ही होता पहचान बढ़ती मेरी खौफनाक रूप से।